हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मसाला बैगन की रेसिपी। तो गाइस, इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, एक टमाटर ले लिया, सौंफ ले लिया और साबुत लाल मिर्च ले लिया, और मैंने साबुत काली मिर्च ले लिया। अब ये मैंने इसमें डाल लिया, सौंफ भी डाल लिया और ये साबुत लाल मिर्च, साबुत काली मिर्च, इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और लहसुन डालूंगी, और ये मैंने दो छोटे प्याज कट करे थे वो डालूंगी। तो गाइस, आधे किलो बैगन लिया, तो उसी क्वांटिटी के अनुसार मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार मसाला तैयार करें। अब इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ऐसा हम अदरक लेंगे, अब इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इतने हम बैगन को बीच में से कट लगा लेते हैं। बैगन को हमने अच्छे से वॉश कर लेता। ये मैंने आधा किलो बैगन लिया, तो गाइस आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार बैगन लें। इसको हम बीच में से ऐसे कट लगा लेंगे। बैगन में ऐसे हम कट लगा लेंगे, ऐसे हम जितने ये बैगन है सब में ऐसे हम कट लगा लेंगे जल्दी जल्दी। में हम कट लगा लेंगे। इतने हम मसाले को बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, इसका हम मसाला बनाएंगे। अब इसमें मैंने हींग डाल दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हींग डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। पहले हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़े कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये एक छोटा चम्मच डाल लिया। और इसमें हम डालेंगे हल्दी मसाला बनाने के लिए। अब ये एक चम्मच हम डालें तीखी वाली मिर्ची। अब जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन प्याज का, वो हम इसमें डाल देंगे। मसाले को हम 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनेंगे, ताकि हमारे बैगन मसाला का जो मसाला है वो अच्छा बने और खाने में अच्छा लगे। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालें जितना आप खाते हो। तो गाइस, मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग डालें जितना आप खाते हो। तो अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची हम और डालेंगे, और हमने डाला धनिया पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो मसाले का ऑयल है वो अलग अलग हो जाए। तो मिर्ची हमने पहले ही डाल दी थी, थोड़ी सी डाली थी बस हमने, और धनिया पाउडर डाला था। तो गाइस, अभी इसे 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5-10 मिनट हो गया, मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर। ग्रेवी हमारी अच्छे से बन चुकी है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया। इसी कढ़ाई में अब हम बैगन को फ्राई करेंगे। तो इसमें ऑयल डाल लिया, इतने हम बैगन में मसाला भर लेते हैं। हम इतने बैगन में मसाला भर लेते हैं। हम ये बीच में ये टुकड़े करे थे ना, इसको पूरे बैंगन को फैला के इसके अंदर हम मसाला भर लेंगे। इससे हमारे बैंगन मसाला जो होगा पूरा अंदर तक चला जाएगा, और बैंगन खाने बहुत अच्छे लगेंगे। तो गाइस, ऐसे अब सारे बैंगन में मसाला भर लेंगे। एक एक करके हम सारे बैंगन में मसाला भर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैंगन में सारा मसाला भर लिया है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होगा, इसमें थोड़े से हम कलर के डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। अब जो बैगन में हमने मसाला भरा था वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होगा, तो उसी कढ़ाई में हम बैगन को फ्राई करेंगे। तो जितना भी मसाला था प्लेट में वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अब बैगन को हम अच्छे से चलाएँगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ गया है। ऐसे हम सारे बैगन को चलाएंगे अच्छे से, ताकि मसाला जो हो अब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम आधा कटोरी के करीब बैंगन में पानी डालेंगे, क्योंकि बैंगन में पानी हम कम डालेंगे, क्योंकि कि बैंगन को ना हम ग्रेवी में पकाएंगे लो फ्लेम पे, और बैगन ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैंगन ओवर कुक हो सकते हैं। तो इसलिए हमने बैंगन को ग्रेवी में पकाने हैं। तो गाइस, अब इसे हम ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। बीच बीच में हम चेक भी करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हमने बैंगन को चेक कर लिया। तो गाइस, आप देख सकते हैं बैंगन का कलर कितना प्यारा है। ऊपर 10 मिनट हो गए हैं, बैंगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इसे मैंने दोबारा चेक कर लिया। तो गाइस, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कलर कितना प्यारा आ गया। तो गाइस, इसकी हमने कर लिया प्लेटिंग। और अगर आपको बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, आज के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।